so this is uh, a new module with the uh, same title advantages of the proper distribution of wealth we have discussed extensively the advantages of uh, the proper distribution of wealth as compared to the other head which is the equal distribution of wealth so to finalize this we can say that the principle of proper distribution of wealth urges man to work hard and compel man That through increase in the skills and capabilities there is a chance of more earning। यानि चूंकि ये competitive environment पैदा करता है तो इस प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो प्रिंसिपल है इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये लोगों को compel करता है कि वो मेहनत करें और वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और वो किसी जो है वो miracle के इंतजार में ना रहें वो किसी बैगिंग फैक्टर के इंतजार में ना रहें खैरात के सदक़ात के इंतजार में ना रहें बल्कि जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने उनमें रखी हैं बतौर जोहर उनका इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जो जरूरियात हैं उनको पूरा करें और सिर्फ सलाहियतों को इस्तेमाल ही नहीं करना बल्कि वक्त के साथ साथ उन सलाहियतों को बढ़ाना भी है इसकी बहुत सी एग्ज़ैम्पल्स हैं बड़ी जनरल इग्जाम्पल ये है कि पहले एक दौर है जबकि कंप्यूटर मौजूद नहीं है तो भी लोग एम्प्लॉ हो रहे हैं और मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो हायरिंग कर रहे हैं लेकिन आज के दौर में जब आप देखते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत रूज पर है और मुख्तलिफ़ कस्म के जो एम्प्लॉयज़ हैं एम्प्लॉयर को उनकी ज़रूरत है तो अब यही इंसान है जो कि उस वक्त की जरूरियात पूरी कर रहा था और यही इंसान है जो कि अब अपनी स्किल्स को बढ़ाते हुए आज के दौर में जो एम्प्लॉयर को जिस किस्म के एम्प्लॉ की जरूरत है तो ये उसकी जरूरियात पूरी करता है और पूरी करने के लिए उसी तरह की जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाता है और उन्हीं में जो कमांड है वो हासिल करता है ऑन दी अदर हैंड द कंसेप्ट ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मेक्स देशी एंड लथार्जिक बिकॉज ही नोज दैट इन दी विल रिसीव दिफिक अमाउंट ऑफ मनी यानी अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा कि जिसमें हम हर एक को बराबर कर दें कि इस स्केल में जितने भी लोग हैं इनका इतना अमाउंट जो है वो सैलरी में इजाफा हो जाएगा तो इसमें इस एक स्केल में मुख्तलफ किस्म के सलाहियत के हामिल मौजूद हैं कुछ बिलो एवरेज हैं कुछ एवरेज हैं कुछ गुड हैं कुछ वेरी गुड हैं और कुछ आउटस्टैंडिंग हैं। है लेकिन जब आप सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं और आप हर एक को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वेल्थ well, तो वो लोग तो डी मोटिवेट होंगे जो आउटस्टैंडिंग हैं या वेरी गुड या गुड की कैटेगरी में मौजूद हैं और वो अपनी सलाहियतें भी इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये मालूम है एट द एंड ऑफ दिस गेम एवरी वन इस सूरत में वो डिमोटिवेटेड होकर के अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्रिएट्स कंपिटेटिव वी डिस्कस अर्लियर इन दोसाइटी विच एलिमिनेट्स मोनोपली इन प्रोडक्शन एंड फाइनली बेनीफिट दी कंज्यूमर्स इन मेकिंग द लिविंग स्टैंडर्ड अपड बेटर चूंकि ये कम्पिटेटिव इन्वामेंट को बढ़ाता है तो उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि सोसाइटी में किसी भी खास प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है उसमें मनोपली को ख़त्म करता है और मनोपली होने नहीं देता चूंकि फील्ड ओपन होती है हर एक के लिए जो भी चाहे वो उसकी प्रोडक्शन उस खास जो एक मसनुआत है या खास किस्म की जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन कर सकता है तो इसका एक बेनिफिट जहां पे एंड यूजर को हो रहा है और जहां पर प्रोड्यूसर को हो रहा है वहीं पर इसका एक बेनिफिट यह भी है कि इजारा जो है उसको कायम होने से रोक रहा है और किसी एक फर्म की इजारा मुमकिन नहीं है द कंपिटिटिव इन्वायरमेंट विच इज द आउटकम ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ on the basis of his skills and capabilities not only affect the individual but also affect the society collectively and in result the progress and advancement in the society is observed इसकी आप मिसाल देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में हम मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पहले अगर एक कंपनी है तो इनकमिंग कॉल जो है उसके चार्जेस अलग थे आउट गोइंग के अलग थे रोमिंग चार्जेस अलग थे लेकिन एक के बाद जब दूसरी कंपनी आती है और उनके आपस में कंपटीशन स्टार्ट होता है तो वो जो पहली कंपनी है उसकी मनोपली भी खत्म होती है और कंज्यूमर को फायदा ये होता है कि उसके रेट गिरते चले जाते हैं यहाँ तक कि जब ये कंपनीज चार और पांच में कन्वर्ट हो जाती हैं कि यू फोन आता है इंस्टा के बाद और फिर यू फोन फिर वारेद और फिर जितना टेलीनॉर ये जितनी कंपनीज आ रही हैं तो इनके बढ़ने से जब कंपटीशन बढ़ता है तो कंपटीशन के बढ़ने से जो उसका यूज है उसकी यूटिलिटी है वो बहुत चीप होती चली जाती है और इसका जो फायदा है वो माशरे में रहने वाले जो यूजर्स हैं कंज्यूमर हैं उनको होता है तो ड्यू टू दी क्लियर स्टैंडर्ड ऑफ राइट टू वेल्थ इन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पीपल जनरली आर सेटिस्फाई वट दे अर्न बिकॉज दे नो दैट मोर अर्निंग रिक्वायर्स मोर हार्ड वर्क एंड इंक्रीज इन दी स्किल्स इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि हर शख्स अपनी जगह पर मुतमयन होता है कि जितनी उसकी स्किल्स हैं उन स्किल्स के मुताबिक ही वो चूंकि अर्न कर रहा है तो वो अपने अर्निंग का जो एक लेवल है उसके बारे में बहुत मुतम और बहुत ही सेटिस्फाई होता है द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अर्जिज एंटरप्रायर दर्सन

अगर एक जितनी ज्यादा उस जॉब से मैच करती होंगी उस उसकी स्किल्स तो उतनी ही उसकी जो हायरिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी उतनी ही उसकी ऑफरिंग कॉस्ट जो है हायरिंग कॉस्ट नहीं बल्कि ऑफरिंग आफ, कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी और इसका एक फायदा ये जहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन को होगा कि एक स्किल्ड एम्प्लॉय जो है उसको वो हायर करने में कामयाब होंगे वहीं पे उस एम्प्लॉय uh, को एम्प्लॉयर को भी फायदा होगा कि वो किसी गलत हायरिंग से अपने आप को बचा सकेंगे सो ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ एवरी टाइप ऑफ ह्यूमन वांट्स, व्हिच मीन दैट द फील्ड्स आर ओपन फॉर एवरी वन अकॉर्डिंग टू दियर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज चूंकि इंसान की जो जरूरियात हैं बुनियादी तौर पर उसे तीन कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है जिसमें एक तो बेसिक नीड्स हैं दूसरा नंबर पे फैसिलिटीज हैं और तीसरे नंबर पे लग्जरीज हैं अब इंसान में किस किस्म की कैपेबिलिटीज और कौन सी स्किल्स मौजूद हैं बाहर हाल फील्ड ओपन हैं वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करे मजीद अगर मेहनत करेगा तो फेसिलिटीज तक भी पहुंच सकता है और लगजरीज तक भी and this is all about and the proper distribution of uh, wealth according to the teachings of Islam.